सो हेलो एवरीवन, मैं अशोक सर, मैथ्स फैकल्टी मोशन कोटा। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है जेई मेन 2023 के सेकंड सेशन के 13 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट के मैथ्स का पेपर का सोल्यूशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन से, और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वो है एरिया बाउंडेड बाई कर्व। एरिया दिया है अपने को y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर का मोड और y ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो बाउंडेड एरिया आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ये वाला कंप्लीट एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले अपर करो माइनस लोअर करो, टू इंटू अपर करो कौन सा फोर माइनस एक्स स्क्वेयर, लोअर करो कौन सा एक्स स्क्वेयर। और टू से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है कि अपना एरिया वाई एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्री है। अब देखो ये इसमें क्या हुआ कि पूरा ये एरिया कैलकुलेट हो गया। अब मैं चाहूँगा कि ये वाला एरिया माइनस हो जाए। ये माइनस कैसे होगा, अब ये वाला अपर करो माइनस लोअर करो, अपर करो कौन सा y इक्वल टू वन डी एक्स और लोअर करो कौन सा y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये कहाँ से कहाँ तक है अपना, माइनस वन से जीरो, टू मल्टीप्लाई इसलिए कि y के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्री। उसके बाद आपका सिंपल इंटीग्रेशन बचता है, कैलकुलेशन बचती है और कुछ नहीं है, तो आपका ये आंसर आ जाए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना है लिमिट का, और लिमिट कौन सी है, जीरो बाय जीरो की। जैसे ही आप इसमें एक्स जीरो पुट करते हैं ऊपर जीरो बनेगा नीचे जीरो बनेगा। अब इस लिमिट को सोल्व करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा, सबसे पहले आप इसको रिमूव करो। वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर क्या होता है, वन बाई टू, जब एक्स टेंडिंग टू जीरो होता है। तो सबसे पहले इसको रिमूव करो, तो नीचे कौन आ गया, फोर एक्स स्क्वेयर इंटू वन बाई टू। अब ऊपर वाले को सोल्व करने के सबसे आसान तरीका क्या है कि अपन एक्सपेंशन यूज़ करते हैं। एक्सपेंशन में एक्स वाले टर्म को रिमूव करना पड़ेगा, जो एक्स स्क्वेयर वाला होगा वो अपना आंसर होगा। तो एक्स वाले को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी बाई टू। ए इज इक्वल टू सी बाई टू, क्योंकि ऊपर वाला x की पावर हमेशा नीचे वाले से या तो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी x टेंडिंग टू जीरो एग्जिस्ट करेगा। जैसे आपने x a इज इक्वल टू सी बाई टू रखा, उसके बाद अपना लिमिट क्या होगा, ये वाला एक्स स्क्वेयर के मल्टीप्लाई में जो भी अपना वो अपना लिमिट हो जाएगा। तो जैसे ही आप c इज इक्वल टू टू ए पुट करते हैं, जो भी क्वेश्चन ने पूछा है फाइव ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट अपने पास 68 आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये वाली लाइन गिवन ऑप्शन में से किसके साथ कोप्लेनर है। इसको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप लाइन के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। अब जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ अपनी गिवन लाइन की डिस्टेंस कितनी आएगी, जीरो आएगी। अब लाइन के बीच की डिस्टेंस जीरो है, मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट कर रही है तो गारंटी है कि वो दोनों एक ही प्लेन में होगी। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा अपना, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने दिया है कि एक प्लेन है जो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, देखो कि दो पॉइंट से मिलाने वाली लाइन का अपन वेक्टर बनाएंगे। पहले एक वेक्टर ये दोनों पैरेलल इसके प्लेन में है, तो दोनों के क्रॉस से क्या आएगा, प्लेन का नॉर्मल आ जाएगा। यहाँ से प्लेन का नॉर्मल कैलकुलेट हो गया, और अपने को दिया गया है कि प्लेन एक पॉइंट से भी पास होता है, वहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे। अब गिवन ऑप्शन से अपने को सेटिस्फाई कराना है कि कौन सा पॉइंट है वो प्लेन पे। तो उसे आप देखोगे कि माइनस टू कोमा फाइव कोमा जीरो इस प्लेन को सेटिस्फाई करता है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी बी और सी ए गिवन है, ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया गिवन है ए बी सी, वो है 5√6 और लेमडा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो रहनी चाहिए। अब देखो ट्राइंगल लो वेक्टर सम वाला ट्राइंगल लो लगाएंगे इसमें, तो अपने पास क्या आएगा, सी ए प्लस का ए बी किसके बराबर होना चाहिए, सी बी से। जैसे सी बी की वैल्यू अपने को लेमडा की फॉर्म में आ जाएगी। अब ट्राइंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, मोड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो सबसे पहले कैलकुलेट करो ए बी क्रॉस ए सी, वो किसकी फॉर्म में आएगा, लेमडा की फॉर्म में। तो अपने को एरिया क्या गिवन था, 5√6, वहाँ से ए बी क्रॉस ए सी के मोड को अपन 1/2 ए बी क्रॉस ए सी को 5√6 के इक्वल करेंगे, तो लेमडा की दो वैल्यू आएगी, एक तो 5 और एक माइनस का 11। लेकिन अपने को कौन सी लेनी है, 5। उसके बाद है ना सी बी की वैल्यू लेमडा वैल्यू पुट करते ही आ जाएगी, तो लास्ट में क्या कैलकुलेट करना है, सी बी डॉट सी ए। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 60। एकदम सिंपल कैलकुलेशन थी, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स है 3/3 का और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 गिवन है। उसके बाद गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2 एडजॉइंट ऑफ 2 इज इक्वल टू 32 की पावर n, और अपने को पूछा है 3n प्लस अल्फा।
अब देखो एडजॉइंट की एडजॉइंट ऑफ के की प्रॉपर्टी होती है के की पावर एम माइनस वन, जहाँ एम है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। वहाँ से एडजॉइंट ऑफ टू ए अपने पास क्या आ जाएगा, टू की पावर टू एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद सेम प्रॉपर्टी दोबारा लगानी है, एडजॉइंट ऑफ के क्या होता है के की पावर एम माइनस वन, जहाँ एम उसका ऑर्डर है। लास्ट में अपने पास ये बच के आएगा, ठीक है, ये किसके बराबर दिया हुआ है 32 की पावर एन के, यहाँ से एन अपने पास आ गया 5, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया था 2, वहाँ से क्या कैलकुलेट कर लोगे आप, अल्फा कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद 3n प्लस अल्फा की वैल्यू एकदम डायरेक्ट सिंपल आपको 11 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, और न्यूमरेटर से हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा है तो हमेशा वैल्यू किससे कम आएगी, 1 से कम आएगी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको हमेशा मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। उसके ऊपर अगर आप साइन इनवर्स लगाते हैं तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2। उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, क्योंकि अपने को पूछा गया है क्वेश्चन में 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ से रेंज आएगी अपने पास 0 क्लोज ब्रैकेट से 2 पाई ओपन ब्रैकेट से। इसमें एकदम सिंपल कैलकुलेशन थी, कुछ नहीं ज़्यादा पूछा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि A1, A2, A3 अब एक GP में, इंक्रीजिंग GP में, मतलब उसके कॉमन रेशियो सारे टर्म क्या है, पॉजिटिव। उसके 6th और 8th टर्म का सम गिवन है वो 2 है, और 3rd और 5th टर्म का प्रोडक्ट गिवन है वो 1/9 है, और लास्ट में पूछा है 6 A2 + A4 × A4 + A6। देखो उस जीपी के प्रोडक्ट से अपन क्या निकालेंगे, A3 × A5 क्या दिया गया, 1/9, वहाँ से अपने पास A³ × R³ की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। फिर उसके बाद दिया है कि A6 + A8 = 2 है, जो अपने पास वैल्यू आई है AR³ की, वो वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद R² की वैल्यू आएगी, वो आएगी 2, और 2 आएगी मतलब R क्या पॉसिबल है, √2 और -√2, लेकिन इंक्रीजिंग GP है तो क्या रखेंगे अपन, R√2। उसके बाद लास्ट में क्या पूछा है, 6 A2 + A4 और A4 + A6। अब देखो A2 को AR लिखते टाइम बाद में R² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा क्योंकि AR³ की वैल्यू भी अपने पास अवेलेबल है और R² की वैल्यू भी। सेम इसमें AR³ की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, इसको लिख ले AR³ × R², क्योंकि ये दोनों वैल्यू अपने पास अवेलेबल है। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद अपने पास आंसर आता है 3। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक 3x3 का सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है जिसके लिए बोला है कि इसके कितने इन्फिनिटी मैन्यू सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो देखो इन्फिनिटी मैन्यू सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या, उसका डेल डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड तीनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जैसे आप देखो डेल को 0 पुट करोगे अपने पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, वो है 16। उसके बाद जैसे आप डेल एक्स को 0 पुट करोगे उसके बाद म्यू की वैल्यू आ जाएगी -13। और लास्ट में कैलकुलेशन में क्या पूछा है, ओनली लेमडा प्लस का म्यू और लेमडा माइनस का म्यू पूछा है, दोनों का स्केयर। तो लेमडा प्लस म्यू का स्केयर और लेमडा माइनस म्यू का स्केयर, डायरेक्ट एकदम सिंपल कैलकुलेशन थी, 916 वैल्यू आ जाएगी अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास लॉजिकल रीजनिंग से, क्या दिया है कि P इंटरसेक्शन डैश ऑफ Q, उसका यूनियन किसके साथ है, डैश ऑफ P इंटरसेक्शन Q, उसका यूनियन है डैश ऑफ P इंटरसेक्शन डैश ऑफ Q। अब ऐसा क्वेश्चन है ना, आसान बनाने के लिए आपको वेन डायग्राम यूज करना चाहिए। देखो P इंटरसेक्शन डैश ऑफ Q कुछ कैसा दिखेगा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ओनली P। P डैश इंटरसेक्शन Q कैसा दिखेगा, इसका मतलब हुआ ओनली Q। और उसके बाद अपने ओके डैश ऑफ P इंटरसेक्शन डैश ऑफ Q कैसा दिखेगा, P यूनियन Q का डैश, मतलब कंप्लीट बार वाला। अब जो तीनों वेन डायग्राम बनाए उसका अपने को क्या लेना है, यूनियन। तो यूनियन लेने पे आप पाओगे कि सारा एरिया आगे अपने पास, ओनली ये वाला नहीं आए, ये वाला नहीं है, ये कौन सा है, P इंटरसेक्शन Q उसके कंप्लीट का डैश। उसको अपन क्या लिखते हैं, P का डैश यूनियन क्यू का डैश। तो ये वाला क्वेश्चन आपको आसान बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका था कि वेन डायग्राम यूज करते, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक सेट डिफाइन है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और लास्ट में अपने को पूछा है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस सेट में पॉसिबल है सबके मोड के स्क्वायर का सम बताना है। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर मानो कि x + i y और जो भी इक्वेशन गिवन है उसकी में वैल्यू पुट करो। तो जैसे आप वैल्यू पुट करते हो तो लास्ट में अपने पास रिलेशन क्या आता है, x - i y = -2xy i / x² - y² + x। अब दोनों साइड क्या करते हैं, अपन रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो जैसे आपको रियल को रियल के साथ कंपेयर करो तो अपने पास ये रिलेशन आएगा x · 1 + 2y = 0। यहाँ से अगर एक बार आप x 0 लेते हैं तो उसको इस इक्वेशन में पुट करने पे y की दो वैल्यू मिलेगी।
अगर एक बार आप y की वैल्यू -1/2 रखते हैं तो x की आपको दो वैल्यू मिलेगी। इससे टोटल कितने कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए? चार आ गए। कैसे कैसे? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। अब सबके मोड का स्क्वायर का सम करोगे तो अपने पास आंसर आएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 ऑफ एक्स प्लस का 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है और पूछा क्या है अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14। अब देखो श्रीधर आचार्य से अगर आप एक्स की दो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मतलब इस इक्वेशन के रूट कैलकुलेट करते हैं तो आप पाएंगे कि एक रूट है वो माइनस ऑफ अंडर रूट 2 ओमेगा है, दूसरा है माइनस अंडर रूट 2 ओमेगा स्क्वायर है। तो देखो पूछा क्या है अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14। तो देखो तो इसकी पावर 14 का मतलब क्या हुआ 2 की पावर 7 और अंदर अपने पास आ गया ओमेगा की पावर 14 प्लस ओमेगा की पावर 20। अब देखो ओमेगा की पावर 3 क्या होता है 1 होता है, यहाँ से ओमेगा की पावर 12 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और मल्टीप्लाई क्या बचा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा की पावर 27 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 1, बचा क्या ओमेगा। और एक रिलेशन क्या होता है ओमेगा प्लस से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना माइनस का 1, तो अपने पास आंसर कितना आ गया -120। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वेक्टर का कि मोड ऑफ ए वेक्टर दिया है 2, मोड ऑफ बी वेक्टर दिया है 3 और उन दोनों के बीच के एंगल कितना है π/4 और लास्ट में पूछा है कि ए प्लस 2b क्रॉस में किसके 2a-3b का क्रॉस और उसके मोड का स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले एंगल कितना दिया है π/4 तो cos थीटा क्या होता है a डॉट b डिवाइड ऑफ मोड ऑफ a मोड ऑफ b, वहां से अपने पास वैल्यू आ जाएगी a डॉट b की। अब जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है उसको अलग से एक वेक्टर मान लीजिए, p वेक्टर मान लीजिए आप a प्लस 2b वेक्टर को और q मान लीजिए 2a-3b वेक्टर को। अब यहाँ से p के मोड का स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए और q के मोड का, देखो p के मोड का स्क्वायर कैलकुलेट करूँगा तो मेरे को a का मोड चाहिएगा, b का मोड चाहिएगा और a डॉट b चाहिएगा, तीनों अपने पास अवेलेबल है, वहाँ से p के मोड का स्क्वायर ये आ गया। और सेम ऐसे कैलकुलेट आपको करना है q के मोड का स्क्वायर, तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा। देखो अब एक रिलेशन अपने पास लास्ट में क्या यूज करें कि देखो a डॉट b इसके मोड का स्क्वायर प्लस दोनों के क्रॉस का मोड का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है सेपरेट ऑफ मोड ए का स्क्वायर सेपरेट ऑफ मोड बी का स्क्वायर। तो अपने पास पी क्रॉस क्यू का मोड निकालना है तो पी डॉट क्यू अवेलेबल है अपने पास और क्या है दोनों का सेपरेट का मोड अवेलेबल है, तो लास्ट में ये वैल्यू कैसे आ जाएगी, इन दोनों का मोड अपने कैलकुलेट कर लिया, पी डॉट क्यू अपने पास अवेलेबल है तो वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी 882। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी लेकिन ये वाली अप्रोच इसके लिए बहुत सही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, गिवन है ई की पावर -π/4 फिर प्लस से 0 से π/4 में इंटीग्रेशन है ई की पावर -x 10^50 और dx। अब डिवाइड में देखो अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना है कि दोनों इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने से अच्छा है कि आप इस ऊपर वाले को कोई i1 मान लो और नीचे वाले को i2 मान लो। अब i2 को कैलकुलेट करने के बाद ऐसा कुछ अप्रोच लगाओ कि उसकी वैल्यू i1 की फॉर्म में आ जाए। जैसे देखो i2 अपने पास ऐसे इससे 10 की पावर 49 कॉमन लिया तो कितना बचा sec2x, क्योंकि 1 + tan2x कितना sec2x। अब यहाँ से देखो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्योंकि 10x अगर आप t पुट करते हैं तो sec2x dx कितना हो जाएगा dt। अब देखो इसको बाई पार्ट इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करते हैं, इसको फर्स्ट ले लो इसको सेकंड ले लो, तो इसका इंटीग्रेशन देखो 10 को अगर आप t पुट करते हैं 10x = t तो sec2x dx कितना हो गया dt। अब इंटीग्रेशन क्या बन गया t की पावर 49 इंटू dt और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 50 अपॉन 50। अब देखो t की पावर 50 अपॉन 50 का मतलब 10x की पावर 50 अपॉन 50, तो यहाँ से e की पावर -π/4 डिवाइड बाई 50। आगे वाले में क्या करते हैं अपन माइनस का साइन फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर -x का क्या आएगा माइनस ऑफ e की पावर -x, उससे वो साइन क्या बन गया प्लस और ये वाला इंटीग्रेशन कितना हो गया 10 की पावर 50 अपॉन 50 ये 50 बार। अब आप पाओगे कि i2 की वैल्यू है वो क्या आ गई i1 अपॉन 50 आ गई और कैलकुलेशन में अपने पूछा क्या था i1 अपॉन i2 पूछा गया था तो वो वैल्यू क्या हो गई 50। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था लेकिन अगर आप नीचे वाले को ऊपर वाले की फॉर्म में लाना चाहें तो ज़्यादा आसान रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बायनोमियल थ्योरम का, पूछा गया है x टू द पावर 5 का
गिव 2x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर की पावर 5 में कोफिशियंट कितना हुआ। तो सबसे पहले इसके लिए जनरल टर्म डिफाइन करो, कैसे करते हैं, टी आर प्लस 1 एन सी आर इसकी पावर r और इसकी पावर n माइनस r, वहाँ से x की पावर को अलग से करेंगे तो अपने पास आएगी 15 माइनस 5r, और वो किसके बराबर होना चाहिए, 5 के, क्योंकि किसका कोफिशियंट पूछा है, x की पावर 5 का, वहाँ से r की वैल्यू 2 आई। अब इस r की वैल्यू 2 को अगर आप वापस इसमें रखोगे तो अपने पास कोफिशियंट कितना आ जाएगा, 80/19। एकदम सिंपल, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं पूछी थी, एकदम बाइनोमियल का सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या गिवन है कि मीन और वेरिएंस का डिफरेंस है वो 1 है, और फिर पी पी के बीच में एक इक्वेशन डिफाइन है, उसको कैसे यूज करें, देखो पी ब्रैकेट में एक्स इज इक्वल टू आर के लिए फॉर्मूला होता है एन सी आर पी टू द पावर आर और 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आर। अब इस फॉर्मूले का आप इसमें यूज करोगे इसमें तो आपके पास निकल के आएगा एन पी, ये इक्वेशन निकल के आएगी। दूसरा इक्वेशन क्या दिया था, मीन और वेरिएंस का डिफरेंस दिया था 1, वहाँ से आपके पास निकल के आएगा n इज इक्वल टू 1/p². अब जैसे देखो, जैसे आप 1/p² इस इक्वेशन में पुट करते हो तो p की वैल्यू 2 निकल के आती है, एक तो वैल्यू 1 और एक 1/2। अब देखो जैसे आप वैल्यू 1 लेते हो तो n की वैल्यू आती है आपके पास 1, और लेकिन क्वेश्चन में पूछा है p ब्रैकेट में x ग्रेटर देन 1, जो कि डिफाइन नहीं हुआ, तो आपको p की कौन सी वैल्यू लेनी है, 1/2। जैसे ही आप p 1/2 लोगे तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, और फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है पी एक्स ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये कैलकुलेशन करनी है आपको। तो कैसे निकल के आएगा ये मतलब पी माइनस क्या करना है 1 में से एक्स बराबर 0 का और एक्स बराबर 1 का, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 1 का पूछा है। लास्ट में कैलकुलेशन करने पर आपको रिजल्ट मिलेगा 11। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन कोई ज़्यादा अप्रोच वाली बात नहीं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या उन्हें देखो, एक सर्किल है जिसका सेंटर है अल्फा कोमा बीटा और रेडियस है बोला कि लेस देन 8 है, उसके लिए दो लाइन गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 और 3x माइनस 4y इक्वल टू 32, ये दोनों उसकी टेंजेंट है, और एक क्या गिवन है उसके लिए एक नॉर्मल गिवन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 1। अब नॉर्मल की क्या कंडीशन होती है हमेशा, वो किसके पास होती है सेंटर से, तो एक इक्वेशन तो यही आ जाएगी कि नॉर्मल इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हर बार किसी सर्किल का नॉर्मल किसके पास होता है सेंटर से। दूसरी बात देखो, ये दोनों लाइन है टेंजेंट है, उससे इस सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओगे आप तो एक बार मोड को पॉजिटिव ओपन करोगे और एक बार नेगेटिव, तो अल्फा और बीटा की दो दो वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन देखो फिर जब आर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इस वाली कैलकुलेशन में आर है वो ग्रेटर देन 8 आता है, और इस वाली कैलकुलेशन में आर आपके पास आता है 5, बीटा की वैल्यू आई है -1 अल्फा की 1, तो पूछा क्या था अल्फा माइनस बीटा प्लस का आर, तो क्या आ जाएगा वो अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया 2 और आर कितना है 5, तो कितना 7। थोड़ा कैलकुलेशन थी बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एन बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, -2, 3 से, और वो किस पे है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक लाइन है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास होती है, तो सबसे पहले दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, वो क्या आएगी आपके पास ये वाले। ठीक है फिर उस पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो भी इस लाइन पर है, तो एक पॉइंट रिलेट करेंगे लेमडा के फॉर्म में। अब देखो ये पॉइंट P है, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर n है, वो पी एन डॉट और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0, वहाँ से आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब अपने पास क्या आ गया n आ गया, और n आ गया तो n से क्या पूछा है गिवन प्लेन है ये, इससे क्या पूछिए उसकी डिस्टेंस पूछिए, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आता है, उस पॉइंट को प्लेन में पुट करते हैं और फिर डिवाइड में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का मोड, तो वहाँ से आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 7। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, क्या पूछा गया है कि मंडे को अगर डिक्शनरी में अरेंज करें तो मंडे जो अपना वर्ड है उसकी रैंक कितनी होगी। तो देखो इसको करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले मंडे के में सबसे पहले डिक्शनरी में कौन आएगा, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, तो आगे सारे वर्ड जो अल्फाबेट बचे वो फैक्टोरियल 5 से अरेंज हो सकते हैं, उसके बाद ए के बाद डिक्शनरी में कौन आएगा डी,
तो बचे हुए अल्फ़ाबेट कैसे अरेंज हो सकते हैं फैक्टोरियल 5 तरीके से। फिर उसके बाद एम आएगा, अब एम के साथ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से कौन आएगा, ए आएगा, तो बचे हुए चार अल्फ़ाबेट कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। फिर ए के बाद डिक्शनरी में कौन आता है, डी, तो डी के बाद चार जो अपने अल्फ़ाबेट बचे हुए कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से। डी के बाद कौन आया, एन आया, बचे हुए अल्फ़ाबेट कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल। अब एन के बाद कौन आएगा, ओ आएगा, और मंडे की स्पेलिंग में एम के बाद ओ ही है, तो फिर अब देखो ओ को इंक्लूड करेंगे। अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, तो बचे हुए तीन अल्फ़ाबेट कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल से। फिर कौन आया, ए के बाद डी आया, और बचे हुए अल्फ़ाबेट कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। अब डी के बाद कौन आया, एन आया, और एन अपने को चाहिए क्योंकि स्पेलिंग में क्या है, एम ओ एन। अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से सबसे पहले कौन आया, ए आया, तो बचे हुए दोनों अल्फ़ाबेट कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल। ए के बाद कौन आया, डी आया, डी अपने को चाहिए, और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से ऑटोमेटिक डी के बाद ए आएगा और ए के बाद वाई आएगा, यही अपनी स्पेलिंग क्या है, मंडे की। अब जैसे ही आप इन सब को ऐड करोगे तो रैंक मिलेगा आपको 327। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अल्फा बीटा है वो सेंट्रोइड है, किसका, कि तीन लाइन गिवन है, उन तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड कौन है, अल्फा बीटा। तो सबसे पहले देखो तीनों लाइन के इंटरसेक्शन से आप ए बी सी उसके वर्टाइसिस की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, अल्फा बीटा क्या है, सेंट्रोइड, तो मतलब x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3 और y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3, यहाँ से किसका वैल्यू निकल के आ गया, अल्फा बीटा की। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट क्या हो, अल्फा प्लस का 2 बीटा और 2 अल्फा माइनस बीटा। अब ये वाला रूट मान लो पी है, ये क्यू है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट पी प्लस का क्यू एक्स। फिर क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अपने पास अल्फा बीटा की वैल्यू है ही, तो वहाँ से किस किस की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा प्लस 2 बीटा की और 2 अल्फा माइनस बीटा की, वो क्या है, एक तो 6 है, एक 7 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट और प्लस का क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसमें देखो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते टाइम थोड़ी कैलकुलेशन थी, उसके बाद ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सेट ए गिवन है और जिस पर रिलेशन डिफाइन है कुछ इस प्रकार से कि ए कोमा बी है वो बिलोंग करता है ए क्रॉस ए से। रिलेशन इस प्रकार डिफाइन है, या तो क्या हो बी ए के मोड के बराबर हो या फिर बी स्क्वेयर की वैल्यू हो ए प्लस वन से। और फिर पूछा गया है कि जब रिलेशन बन जाए तो उसमें कितने एलिमेंट और ऐड करें कि वो रिलेशन कितने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जाए। तो सबसे पहले देखो जो गिवन कंडीशन है उसे रिलेशन बन के कुछ ऐसा आएगा ये। अब रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या रूल है कि हर एलिमेंट की इमेज भी होनी चाहिए, तो -2, 2 इसमें नहीं है, -4, -4 इसमें नहीं है, और -3, -3 इसमें नहीं, तो यहाँ से कितने एलिमेंट ऐड हुए, 3 एलिमेंट ऐड हुए, किसको, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। अब सिमेट्रिक बनाने के लिए देखो -4, 4 है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या चाहिए, 4, -4। फिर क्या है, 3, -2 है, सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या चाहिए, -2, 3 चाहिए। फिर अपने पास क्या है, -3, 3 है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या चाहिए, 3, -3। और एक क्या है, 0, 1 है, सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या चाहिए, 1, 0। यहाँ से कितने एलिमेंट ऐड हो गए, 4, और टोटल क्या आंसर हो जाएगा, 3 + 4, 7। ये सेट एंड रिलेशन का एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसमें क्या गिवन है कि एक फंक्शन डिफाइन है कुछ ऐसे और पूछा गया है कि f(21 - 20)। देखो सबसे पहले क्या करें कि इसको कोस और साइन को हटाते हैं, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट करता हूँ तो कोस एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, dt। उसके बाद देखो एफ एन में फंक्शन है तो अपन वैल्यू निकाल लेते हैं एफ एन प्लस वन की, और एफ एन और एफ एन प्लस वन की वैल्यू आ जाए तो दोनों का डिफरेंस एफ एन प्लस वन माइनस एफ एन अगर अपने पास अवेलेबल हो तो एन की वैल्यू उसमें अगर 20 पुट करें तो गिवन क्वेश्चन में जो पूछा गया वो वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे आपने साइन एक्स इजिकल टू टी पुट किया तो कुछ ऐसे निकल गया अपने पास, तो एफ एन की वैल्यू ये है। अब यहाँ से एफ एन प्लस वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो है। अब इसको देखो एफ एन की फॉर्म में कैसे बनाना है, यहाँ देखो टी की पावर एन माइनस वन तक गया है तो इससे जस्ट पहले कौन आया होगा, टी की पावर एन माइनस वन आया होगा। यहाँ कहाँ तक गया है, टू की पावर एन माइनस टू टू एन माइनस वन तक, तो टू एन प्लस वन से जस्ट पहले कौन आया होगा, टू एन माइनस वन। तो अगर मैं इतने पार्ट को इतने पार्ट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, एफ एन। तो एफ एन प्लस वन के इक्वल में कौन निकल के आ गया, एफ एन।
तो देखो जैसे आप एफ एन प्लस उसको लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो ये वाली कैलकुलेशन बचती है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखना कि जैसे एन इज इक्वल टू 20 पुट किया तो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा बचता है। अब इस इंटीग्रेशन को करना आसान नहीं है, देखो इसलिए ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मतलब ट्रिकी चीज़ थी। कैसे कि देखो जैसे आप टी 20 को इसके साथ लोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल गया, टी की पावर 21 डिवाइड बाई 21, और 1 और 0 उसकी अपर और लोअर लिमिट पुट करने पे कितना आएगा, 1/21। अब इसमें देखो इसमें 41 तो कॉमन है ही, टी की पावर 21 और इसके साथ है ना निकल के क्या आएगा 1/21, और क्या निकल के आएगा 41/21। अब देखो इन दोनों को एक साथ लेके देखो, 41 + 1 कितना बन गया 42, और वो क्या है 21 का डबल। ऐसे ही है ना, हर बार अपने पास पेयर बनते जाएंगे और हर पेयर की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 20 पेयर बने तो 40 वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, और एक एलिमेंट इसमें है 41/40 तो उसकी वैल्यू है 1, तो फाइनल आंसर कितना 40+1 = 41। देखो यहाँ तक इसकी क्वेश्चन टफ नहीं था, इसके बाद इंटीग्रेशन करने जो बैठा है ना उसके लिए टफ है। इससे ये वाली ट्रिक इसमें ध्यान से देखनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसके लिए इनिशियल कंडीशन गिवन है y√2 डिफाइन है। ठीक है, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर कैलकुलेट करना। इंटीग्रेशन फैक्टर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये निकल के आएगा। उसके बाद y * इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू qx * इंटीग्रेशन फैक्टर, ये इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास वैल्यू निकल के आती है ये। ठीक है, अब गिवन कंडीशन क्या थी, y√2 गिवन है, उससे c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -√3। अब पूछा क्या है y√2, वो भी अल्फा बीटा गामा की कुछ फॉर्म में आता है। y√2 पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू निकल के आती है ये। यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई √2, बीटा की 1 और गामा की 3, तीनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो वैल्यू 6। इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन कैलकुलेटिव था, बाकी हर बार आप नोट कर रहे हो कि मैसे डिफरेंशियल इक्वेशन से क्यों सुना रहा है, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टोटल नंबर्स ऑफ 3-डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 6 एंड कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो 6 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है कि इवन यूनिट डिजिट क्या हो, इवन हो, और 3 से डिविजिबल की क्या कंडीशन है कि सम ऑफ डिजिट क्या हो, डिविजिबल बाई 3। अब देखो इवन डिजिट अपने पास दो ही अवेलेबल है, एक तो 2 और एक 4। अब अगर आप यूनिट डिजिट 2 रखते हैं, अब इस नंबर को 3 से डिविजिबल होने के लिए ए और बी का सम या तो कितना हो जाए 4 हो जाए, ताकि टोटल सम कितना हो जाए 6 जो कि 3 से डिविजिबल, या ए और बी का सम कितना हो जाए 7 हो जाए, जिससे क्या है नंबर डिविजिबल बाई किससे हो जाए 3 से, क्योंकि टोटल सम कितना आ जाएगा 9, या ए और बी का सम कितना हो 10 हो, जिससे नंबर डिविजिबल है बाई 3 रहेगा क्योंकि टोटल सम कितना है 12 है। यहाँ से आपके पास 8 पेयर निकल के आते हैं, मतलब 8 नंबर। अब अगर आप सेकेंड कंडीशन में यूनिट डिजिट को 4 रखते हैं तो ए और बी का सम या तो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, जिससे क्या होना चाहिए 4 और 2 = 6 जो कि डिविजिबल किससे है 3 से, या उसका सम कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, क्योंकि 5 और 4 कितना 9 जो कि डिविजिबल बाय कितना है 3। ठीक है, और यह कितना होना चाहिए और बी का सम होना चाहिए 8, क्योंकि 8 और 4 कितना हुआ 12 और 12 डिविजिबल बाई 3। यहाँ से आपके पास 8 पेयर निकल के आते हैं, मतलब 8 नंबर यहाँ से निकल के आते, तो टोटल नंबर कितना 8 + 8 = 16 इसका आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 7 की पावर 103 डिविजिबल बाई 7 डिवाइडेड बाई 17 हो तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखो 7 की पावर 103 को कुछ ब्रेक करते हैं कि 7 की पावर 1 × 7 की पावर 102, इससे क्या है कि 7 की पावर 2 अंदर दे देते हैं और बाहर 51। ऐसा क्यों, क्योंकि अंदर क्या आ जाएगा 49, और 49 को लिख सकते हैं 51 - 2, और 51 डिविजिबल किससे है 17 से, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया -2 की पावर 51। अब देखो माइनस का साइन बाहर दे देते हैं क्योंकि पावर क्या है माइनस की ओड है, और 2 की पावर 3 को अलग रख के और ये वाला 16 की पावर 12 रख लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि 16 को लिख सकते हैं 17 - 1, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया -56 × -1 की पावर 12। तो रिमाइंडर देखो कितना आया -56, लेकिन -56 रिमाइंडर नहीं होता, तो क्या करते हैं अपन कोशेंट को किसी k
के से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, और ऐड इस प्रकार से करते हैं कि रिमाइंडर है वो उस नंबर से छोटा है। तो जैसे आप देखो के की वैल्यू 4 रखोगे तो माइनस का 56 और प्लस का 68, यहाँ से रिमाइंडर निकल के आएगा आपके पास 12। देखो बाइनोमियल वाले चैप्टर से रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में लगभग मिल जाएगा, 2019 से ही ऐसा होता आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइन है कुछ इस तरीके से। देखो ये वाला देखते ही आपको पता लग रहा होगा कि ये क्या है, AGP, जिसका फर्स्ट टर्म किस में चल रहा है, AP में, और सेकंड टर्म किस में चल रहा है, GP में। अब देखो AGP का सम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें FX दिया है तो FX रख लो, वरना S=, मान FX को लिख लिया। अब अगले वाले स्टेप में क्या करते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके फिर एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 माइनस करो तो अपने पास FX ये निकल के आ जाए। देखो यहाँ तक। अब एक तरीका था कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो कि 2f(2) और माइनस का f-2। तो देखो एक तरीका तो था कि यहाँ से f2 निकालो और f-2 निकालो, लेकिन इससे अच्छा था देखो कि अगर आप 1-x² को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दोनों वैल्यू आपको एक साथ मिल जाएगी। क्योंकि देखो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो एक बार किसको कांस्टेंट रखोगे, 1-x² को, और मल्टीप्लाई में कितना, f-x। जैसे ही आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, f-2। सेकंड वाले में क्या करोगे आप, f(x) को कांस्टेंट रखोगे और 1-x² का डेरिवेटिव करोगे, वो कितना आएगा, 2(1-x) और मल्टीप्लाई -1। अगर यहाँ आप 2 पुट करते हो तो माइनस का 1 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होकर कितना बन गया, 2। तो यहाँ से 2 of FF2 प्लस में आ गया, तो ये वैल्यू आपको कंप्लीट डायरेक्ट मिल जाएगी यहाँ से डेरिवेटिव करने के बाद। तो जैसे ही आप x=2 पुट करते हैं तो वैल्यू कुछ ऐसे निकल के आते हैं, और यही क्वेश्चन में गिवन था कि कुछ वैल्यू इस फॉर्म में निकल के आएगी आपके पास और n की वैल्यू बतानी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अगर आप देखो ओनली FX निकाल के एक साइड रखे FX को डेरिवेटिव करते हो उससे टफ रहेगा, ये वाला तरीका इसमें बहुत आसान रहता कि दोनों वैल्यू f-2 + 2 × f(2) आपको एक साथ मिल जाएगी। थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि x = -1 से 1 और -1 पे ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, वो है sin−x = 2 tan−x के। अब देखो 2 tan−x का अपने को sin−1 में फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, sin−2x/1+x². जैसे ही आप ये फॉर्मूला पुट करते हो तो ओनली x में आपके पास रिलेशन निकल के आता है, जहाँ से x की एक वैल्यू कितनी आ रही है, 0, और इस वाले को जब 0 पुट करते हो तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल के आती है, एक तो 1 और एक -1। लेकिन देखो -1 इंक्लूड नहीं है क्योंकि -1 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं था। वैसे सॉल्यूशन कितने हुए, 3, लेकिन सॉल्यूशन इंक्लूड कितने होंगे, 2। तो यहाँ से अपना इसका इंटीजर टाइप का आंसर कितना बन गया, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है किसका, स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स का, कितना, 50 और 12। लेकिन उसमें देखो दिक्कत क्या हुई है कि दो डाटा है, एक तो 20 और 25, वो रिप्लेस किससे हो गए, गलती से 45 और 50 से। तो अपने को करेक्ट वेरिएंस बताना है। देखो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ डेटा डिवाइड नंबर ऑफ डेटा, यहाँ से सम ऑफ डेटा कितना निकल के आएगा, 500। लेकिन ये सम ऑफ डेटा गलत वाला है क्योंकि इसमें दो डाटा गलती से निकले। अब देखो सही वाला कैसे निकालेंगे, जो नंबर गलती से है उनको माइनस कर देते हैं और जो नंबर सही थे उनको ऐड कर देते हैं, तो अपने पास सम ऑफ डेटा करेक्ट वाला निकल के यह है। अब देखो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, σ² = σ xi² / n और माइनस मीन का स्क्वेयर। अब देखो अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो वेरिएंस क्या होगा उसका स्क्वेयर, वो 12 दिया है तो उसका स्क्वेयर कितना, 144। तो ये फॉर्मूला लगाने के पास आपके पास σ xi² आया, वो ही आया। लेकिन ये कौन सा है, गलत वाला। सही कैसे निकालेंगे, जो डेटा गलती से आए थे उनका स्क्वेयर माइनस करना है, जो डेटा सही थे उनका स्क्वेयर ऐड करना है, ठीक है। तो सही जो अपना σ xi² आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। अब अपने को करेक्ट वेरिएंस पूछा है, करेक्ट वेरिएंस का मतलब अब करेक्ट जो σ xi² है वो यूज करेंगे
और फॉर्मूले में जो करेक्ट अपना सिग्मा एक्स आई आया वो यूज करेंगे, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 269। थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फोकाई ऑफ एक हाइपरबोला है, उसकी प्लस माइनस 2.0 है, उसकी इसेंट्रिसिटी गिवन है, और आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लाइन, एक टेंजेंट है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ की जाती है। तो जो टेंजेंट है वो एक्स और वाई पे इंटरसेप्ट बनाती है ए और बी। तो क्वेश्चन पूछा गया है 6a का मोड और 5b का मोड। अब देखो दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4, और दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2ae। ई अपने पास अवेलेबल है, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, ए की वैल्यू निकल के आ गई। अब ए की वैल्यू निकल के आ गई तो सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 + b² अपन ए स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, बी स्क्वेयर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखो जो गिवन लाइन की स्लोप है उससे अपने पास किसकी स्लोप आ जाएगी, टेंजेंट की, क्योंकि टेंजेंट उसके है परपेंडिकुलर, तो उससे अपने पास टेंजेंट की स्लोप आ गई। अब अगर टेंजेंट की स्लोप एम पता है तो एक लाइन डिफाइन होती है जो कि हाइपरबोला की हाइपरबोला की टेंजेंट होती है एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वेयर अपने पास है, बी स्क्वेयर अपने पास है, और एम की वैल्यू है, तो टेंजेंट कुछ ऐसे निकल के आए। अब पूछा गया था कि ए और बी उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट है, ए कैसे निकल के आएगा जब वाई 0 पुट करोगे तो ए की वैल्यू आई, और बी कैसे निकल के आएगा जब आप एक्स 0 पुट करोगे तो अपने पास बी की वैल्यू आ गई। तो लास्ट में क्या पूछा गया है, 6a का मोड और 5b का मोड, जो कि कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड टेंजेंट हाइपरबोला के लिए जिसको पता है उसके लिए आगे कैलकुलेशन कुछ नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि ये साइन आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है, तो अंडर रूट ऑफ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर से लेके अंडर रूट 120 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम कैलकुलेट करना है। तो देखो अंडर रूट 1 से लेके अंडर रूट 3 तक की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, वो वैल्यू रहेगी 1 से लेके 2 के बीच, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आएगा, और ऐसी वैल्यू कितनी है 1 से लेके 3 तक, 3, तो उसका 1 × 3 ये सम निकल गया। फिर देखो 4 से लेके 8 तक का रूट वो कितना होगा, 2 से 3 के बीच होगा, और ऐसे नंबर कितने हैं, 5, तो ये सम कितना निकल के आ गया, 2, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 और 8 के रूट का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मिलेगा 2। फिर देखो अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, और फिर अंडर रूट 16 का रूट कितना, 4, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, तो यहाँ से वैल्यू कितने, 9 से लेके 15 तक उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3, और ये टोटल नंबर 7, और ऐसे लास्ट में आप एक सीरीज पाओगे कि अंडर रूट ऑफ 100 से लेके अंडर रूट 120 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 10, और ये नंबर है 21। अब समेशन देखो कुछ ऐसा बना, 1 × 3, 2 × 5, और लास्ट में 10 × 21, तो इसको आप सिग्मा के फॉर्म में डिफाइन करोगे। देखो सिग्मा r × 2r + 1, और r की वैल्यू कितनी जा रही है, 1 से लेके 10 तक। अब इसमें 2 को बाहर निकालो तो ये आपको क्या दिखेगा, सिग्मा r स्क्वायर, और r की वैल्यू 1 से लेके, तो सिग्मा ऑफ r स्क्वायर ये किसके होता है, क्या फॉर्मूला होता है, n n+1 × 2n+1 और डिवाइड बाई 6, और सिग्मा ऑफ r क्या होता है, n n+1 / 2, और n की वैल्यू कितनी है, 10, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 825। ठीक है, तो ये था अपने पेपर का डिस्कशन। तो देखो ध्यान से आपने नोट किया हो तो पेपर टफ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से इस पेपर में जिसने 15-16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने बहुत अच्छा किए। तो ये था अपने आज का पेपर का सॉल्यूशन, इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊँ तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।